भैया फाइनेंस की इंटर्नशिप्स कहाँ से मिलेगी, भैया फाइनेंस की इंटर्नशिप्स कैसे मिलेगी, कौन सी कंपनीज में मिलेगी, इन मैसेजेस में एक कॉमन चीज दिखी। वो कॉमन चीज है सबसे बड़ी डिमांड और सप्लाई मिसमैच की। मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर फाइनेंस इंटर्नशिप्स एवरी ईयर और वहां पे देर आर लेस देन 5% अपॉर्चुनिटीज। ये सबसे बड़ा इशू आता है व्हेन वी आर गोइंग फॉर इंटर्नशिप्स, खास करके टेक्निकल इंटर्नशिप्स लाइक फाइनेंस इंटर्नशिप्स। अब देखो इस चीज के अंदर हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ना ही हम डिमांड को कम कर सकते हैं कि यार कम लोग अप्लाई करें, और ना ही हम करंटली अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि वो जो 10 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं ना हर साल फाइनेंस के इंटर्नशिप के लिए, और वो जो 5% अपॉर्चुनिटीज है, हम उस 5% में आने की कोशिश करें। तो उसके लिए कैसे आएंगे यार उस 5% में? तो उस 5% में आने के लिए मेरे पास है 5 पॉइंट्स जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है और फॉलो करना है। एंड ट्रस्ट मी, आपको कोई भी फाइनेंस की इंटर्नशिप उससे मिल सकती है, और मुझे भी कॉलेज की सेकेंड ईयर में उसी तरीके से फाइनेंस की इंटर्नशिप मिली थी। सबसे पहला पॉइंट है टेक्निकल स्किल्स। देखो यार, जब तक हम कोर्सेज नहीं करेंगे, स्किल्स बिल्ड नहीं करेंगे, नॉलेज ये नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं होगा। और ये सिर्फ फाइनेंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, हर एक फील्ड के अंदर एप्लीकेबल है। आपको उस फील्ड में बेस्ट होना पड़ेगा यार, तभी आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और वो बेस्ट कैसे होंगे? टेक्निकल स्किल्स बिल्ड करके। अगर मुझे पता है कि फाइनेंस के बारे में बात करता हूँ, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि फाइनेंस है क्या। फाइनेंस इज नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट, फाइनेंस इज नॉट जस्ट म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंस इज नॉट जस्ट वर्किंग इन अ फाइनेंस फर्म। फाइनेंस बहुत ज्यादा है यार, इससे कई ज्यादा चीजें हैं फाइनेंस के अंदर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी पता ही नहीं है। तो अगर हम कोर्सेज स्किल्स ये सब गेन ही नहीं कर रहे हैं, सो नो वन विल टेक अस। सिर्फ एक्सेल कर लेने से या एक दो और जो छोटे मोटे हम कोर्सेज कर रहे हैं उससे काम नहीं बनेगा। कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई, डिमांड सप्लाई का पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर गेनिंग द हाइएस्ट पॉसिबल टेक्निकल स्किल्स, तभी हमारे रेज्यूमे हम एज अ पर्सन विल स्टैंड आउट एंड तभी हमको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। नंबर टू पॉइंट है सॉफ्ट स्किल्स। मैं आपको अपने कॉलेज की दोस्त की बात बताता हूँ, उसने ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज किए थे फाइनेंस के, मेरे साथ ही था वो, बहुत सारे कोर्सेज करे थे, बहुत अच्छा उसका एक दिमाग भी था फाइनेंस का एंड उसको रियल लाइफ नॉलेज भी थी। तो सारे के सारे जो भी कंपनीज होती थी दे यूज टू शॉर्टलिस्ट हिम। शॉर्टलिस्टिंग के बाद होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में मुझे फेस टू फेस होना होता है रिक्रूटर के साथ में। अगर मैं वहां पे जो सब मैंने किया है वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ, अपने बारे में ही नहीं बता पा रहा हूँ, तो क्या मेरी सिलेक्शन होगी? आंसर इज नो यार, मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। तो आपके सॉफ्ट स्किल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट जितने आपके टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट है। तो बात करना आना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना आना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ये सब कंबाइन करके ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको कोई ना कोई इंटरव्यू देना होगा जिसको क्रैक करके ही वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। खास करके बेस्ट अपॉर्चुनिटीज में ऑब्वियसली इंटरव्यू होता ही है, तो वहां पे यही सब चीजें काम आएंगी, दैट विल बी योर सॉफ्ट स्किल्स। अब नंबर थ्री पॉइंट जो है ना उसके मैं 2 कैटेगरीज करूंगा, और नंबर थ्री पॉइंट है हाउ टू गेट दोज अपॉर्चुनिटीज। अगर सपोज करो मैंने टेक्निकल स्किल्स सारे बिल्ड कर लिए, सॉफ्ट स्किल्स मैंने सारे बिल्ड कर लिए, अब तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ ना, अब तो मेरे को मिलना चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि यार मेरे को मिल नहीं रही है अपॉर्चुनिटीज। सब कुछ है मेरे पास लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, समझ नहीं आ रहा कैसे अप्लाई करूं, जहां अप्लाई करता हूं वहां पे रिस्पांस नहीं आता है। तो देखो दो चीजों का ध्यान रखो, पहला सबसे कॉमन है वो है इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म्स। जो आपका इंटर्नशिप है, इंटर्न थ्योरी है, ये सब काफी कॉमन हो गए हैं आजकल। तो मैंने क्या किया, उनके साथ साथ 3-4 और नाम बताए हैं जहां से आप रिमोट वर्क या फ्रीलांस वर्क या इंटर्नशिप्स ये सारी चीजें ढूंढ सकते हो। वहां पे और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज है, अभी वो प्लेटफॉर्म्स इतने सैचुरेट नहीं हुए हैं। आजकल क्या सबको इंटर्न चला पता है, तो वहां पे सब लोग जा चुके हैं, वहां पे बहुत ज़रा एप्लीकेशंस आ जाती हैं। सो मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम ऑलरेडी डाल दिए, यू कैन चेक दैट आउट। और मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स में ये बताया है कि यार इंटर्नशिप फेयर्स एक बहुत सिंपल और बहुत अच्छा तरीका है टू गेट द इंटर्नशिप्स। मेरी खुद की इंटर्नशिप जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी के अंदर फाइनेंस के अंदर इंटर्नशिप फेयर के थ्रू ही लगी थी। इंटर्नशिप फेयर क्या होता है? इंटर्नशिप फेयर वो होता है जो कॉलेजेस ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जहां पे कंपनीज आती है एंड इंटर्न्स कैन डायरेक्टली गेट इंटर्नशिप्स वहां पर। अब मेरा कॉलेज अगर ये नहीं करवाता तो कोई बात नहीं, आपके आसपास के बहुत सारे कॉलेजेस करवाते होंगे, इट्स ओपन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। उन पे आप नजर रखो कि वो कहाँ पे हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे उन क्रिएटर्स को फॉलो करो जो आपको ये बताते हैं और उससे अपडेटेड रहो। वो आप करोगे, ट्रस्ट मी दैट इज द इजिएस्ट वे। मतलब आप इमेजिन करके चलो कि आपको ऑलरेडी इंटरव्यू स्टेज तक आप पहुंच चुके हो, इससे अच्छा क्या होगा। सो यू गेट टू दैट पॉइंट, इंटर्नशिप फेयर्स पे जाना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट का पार्ट टू है नेटवर्किंग, हाउ टू गेट इंटर्नशिप्स में। अगर आपने इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म से अप्लाई कर दिया है, इंटर्नशिप फेयर में चले गए हो ना,
बेस्ट तरीका है नेटवर्किंग करने का, नंबर 3 तरीका नेटवर्किंग। बहुत लोग लिंक्डइन यूज नहीं करते हैं, लिंक्डइन को समझते नहीं है यार। लिंक्डइन इज नॉट ओनली टू अप्लाई फॉर जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स, वहां पे आप नेटवर्किंग करते हो, अपना नेटवर्क बिल्ड करते हो। इन कॉलेज इटसेल्फ आई गॉट अपॉर्चुनिटीज एट क्रिसिल एंड जेपी मॉर्गन, क्यों? क्योंकि आई न्यू पीपल जो वहां पे काम करते थे एंड आई डिडंट न्यू कि यार मैं उस बंदे को जानता हूँ, वो मुझको जानता है। मैं उनके साथ एक नेटवर्क में था, एक प्रोफेशनल नेटवर्क में था, जहाँ पे वो जानते थे कि मैं क्या करता हूँ, मैं जानता था कि वो क्या करते हैं। आई यूज्ड टू हेल्प देम, दे यूज्ड टू हेल्प मी। ये होता है नेटवर्किंग। आप जाके रैंडमली किसी को मैसेज कर दोगे, सर आई एम लुकिंग फॉर अ फाइनेंस इंटर्नशिप, प्लीज गेट मी अ फाइनेंस इंटर्नशिप, व्हाई वुड दे गेट यू अ फाइनेंस इंटर्नशिप? अब कौन हो उनके लिए? या तो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल है कि यार इस बंदे को तो मेरे को लेना ही लेना है। अगर आपको पता है कि वो टॉप 0.1% या टॉप 1% में नहीं हो, वो प्रोफाइल आपके लिंक्डइन पे उतनी अच्छी है ही नहीं, तो आपको रैंडमली रेज्यूमे भेजने पे कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, रैंडम लिंक्डइन मैसेज करने पे कोई पॉजिटिव रिस्पांस तो नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर अगर किसको मिल जाए। तो उस टाइम पे नेटवर्किंग ही काम आती है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस बंदे को मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ ताकि वो मेरा नेटवर्क बन जाए, एंड देन यू आस्क फॉर अपॉर्चुनिटीज, एंड देन वो खुद ही दे देंगे आपको अपॉर्चुनिटीज। क्या ठीक है, अगर तेरे को इंटर्नशिप करनी तो आ जाए, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ऑल दी बिग कंपनीज दे नीड इंटर्न्स। तो वो एक बहुत बेस्ट तरीका है टू गेट दी अपॉर्चुनिटीज। नंबर 4 पॉइंट है कि यार कौन सी कंपनीज में अप्लाई करूं। देखो, अगर आप डायरेक्टली सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स या फिर डायरेक्टली सारे हेज फंड्स को टारगेट करोगे कि मैं गोल्डमैन सैक्स में अप्लाई करूंगा, जेपी मॉर्गन में अप्लाई करूंगा, वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की बहुत कम हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पे अप्लाई मत करो, अप्लाई जरूर करो वहां पे, बट आपको वहां पे भी अप्लाई करना चाहिए जहां पे सिलेक्शन होने के या फिर रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसी कौन सी कंपनीज है? सो सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म्स, जो ब्रोकरेज फर्म्स होती है वहां पे आपका सिलेक्शन इजी होता है। जो बीपीओ कंपनीज होती है वहां पे आपका सिलेक्शन इजी होता है। जो दूसरी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती है ना, वहां पे भी इजी होता है, बिकॉज वहां पे कॉर्पोरेट फाइनेंस कम, ऑपरेशनल फाइनेंस ज्यादा यूज होता है। सो उन सब कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो, वहां पे सिलेक्शन इज बेटर। आप डायरेक्टली सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंक से, सिर्फ हेज फंड्स में अप्लाई करोगे, रिस्पॉन्स आना बहुत कम हो जाएगा। करते रहो साथ साथ, वो करना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ वहां भी अप्लाई करो जहां मुझे पता है कि अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। स्टार्टअप्स, कमर्शियल बैंक्स, आपके नॉन फाइनेंशियल फर्म्स, ब्रोकरेज फर्म्स, ऑल दीज आर एग्जांपल्स जो आपको दिलाएंगे अपॉर्चुनिटीज, वो आपको मिलेगी, सिखाएंगे, और उतना ही बेनिफिशियल होगा, उसके आसपास का बेनिफिशियल ही होगा। सो उसको करना सीखो। नंबर 5, ठीक है यार हम समझ गए कि टेक्निकल स्किल्स सीखने हैं, सॉफ्ट स्किल्स भी सीखने हैं, हम ये भी समझ गए नंबर 3 पॉइंट में कि इंटर्नशिप फेयर्स, इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म्स और नेटवर्किंग के थ्रू वी कैन गेट द इंटर्नशिप्स। नंबर 4 पॉइंट में हम ये भी समझ गए कि कौन सी कंपनीज में हम अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5th पॉइंट, थोड़ा सा और काम आसान कर दो ना ऋषान भैया, थोड़ा सा और, तो वो मैंने कर दिया। नंबर 5th पॉइंट इज अ लिस्ट ऑफ इंटर्नशिप्स अवेलेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अक्टूबर 2022 के अंदर, आई विल मेक श्योर कि मेनी ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स एटलीस्ट। तो आप उस लिंक को देखो, उसको मैं डालूंगा अपने टेलीग्राम कम्युनिटी के अंदर। जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया यार, प्लीज कर लो, वहां पे मैं बहुत कुछ शेयर करता हूँ। रेज्यूमे टेम्पलेट से लेके इंटरव्यू क्वेश्चंस तक मैं वहां पे शेयर करता हूँ, सब कुछ वहीं पे है, वो भी मैं वहीं पे अपलोड करूंगा। लेकिन ऐसे भी कुछ कोर्सेज है जिनको हम करने के बाद साल का 6 to 8 lakh का पैकेज ले सकते हैं, ऐसे 5 ऐसे कोर्सेज है। सो उसकी वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी, इट्स डूइंग रियली वेल, उसका लिंक मैंने लगा दिया, डू चेक इट आउट, ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल।